रॉयल इनफील्ड रॉयल इनफील्ड रॉयल इनफील्ड क्या यार मैडी भाई, हमेशा रॉयल इनफील्ड की बात करते हो। सो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा एक्शन थ्रिलर करते हैं आज का व्लॉग। सो राइट नाउ आई हैव कम टू KTM शोरूम, बिकॉज आप लोगों को तो पता ही है कि मैं बाइक लेने का प्लान कर रहा हूँ। सो मैंने हिमालयन की भी टेस्ट राइड ली थी, अभी ड्यूक 390 की भी लूँगा, फिर डोमिनर भी है मेरे माइंड में और इंटरसेप्टर भी है। सो आज का जो व्लॉग है इट्स ओनली अबाउट द टेस्ट राइडिंग ऑफ द ड्यूक 390। सो देखते हैं कि मुझे बाइक कैसी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो आई विल डेफिनेटली टिक मार्क इन माई प्लान लिस्ट, जो मेरी बाइक की लिस्ट है कि मुझे कौन सी लेनी है। सो चलो अभी चलते हैं। राइट नाउ आई एम इन द KTM शोरूम, सो दिस इज द KTM शोरूम राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो अभी अंदर चलते हैं, सारी बातें करते हैं, उसके बाद टेस्ट राइड लेंगे, उसके बाद जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होगी आप सबको तो पता है ड्यूक 390 बहुत ही अच्छी बाइक है, बहुत ही यू कैन से इट इज़ गुड फॉर एडवेंचर, इट इज़ गुड फॉर सिटी राइड्स आल्सो। सो टेस्ट राइड करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हमारी जो प्रथा है। हेलो नमस्ते, सर श्री कला दावन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम एडी। और आप मुझे ज़रूर बताना कि मुझे ड्यूक 390 लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज हिमालयन की टेस्ट राइड होगी, ड्यूक 390 की होगी, बेसिकली एक सीरीज चल रही है कि मैं कौन सी बाइक लूँगा। अभी तो नहीं ले रहा बिकॉज अभी तो मेरा एक ट्रिप है स्पीति या फिर लद्दाख जा रहा हूँ। सो मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ले लद्दाख या फिर स्पीति के व्लॉग्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। सो इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि कौन सी बाइक लेनी है। सो इसलिए आई एम टेस्ट राइडिंग ऑल द बाइक्स जो भी मेरे माइंड में जितनी भी बाइक्स हैं। सो अभी टेस्ट राइड करते हैं ड्यूक 390 की और फिर अभी अंदर चलते हैं, बिकॉज इट्स टू हॉट इन नोएडा। इट्स ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं, इट्स 2 PM। सो 2 बज गए हैं, सो चलो अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ड्यूक आ गई, ड्यूक आ गई, चलो लेट्स गो इनसाइड। तो गाइज राइट नाउ इन KTM शोरूम। सो ये हमारे राकेश भाई हैं। हेलो राकेश भाई, हाय कर दो पहले सबको। हाय हेलो। सो बेसिकली हाँ, सो बेसिकली हम मैं आप लोगों को तो पता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कोई एक एडवेंचर टूरिंग बाइक लेने का। सो अभी ज़्यादा बजट भी नहीं है और कम बजट में ही देख रहा हूँ कि कौन सी बाइक अच्छी है। सो आई हैव कम हियर फॉर KTM ड्यूक 390, जैसे मैं आपको भी बता रहा था। सो राकेश भाई से मेरी बात हुई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि इन्होंने प्रॉपर टेस्ट राइड वगैरह मेरी अरेंज करवाई है। सो अभी टेस्ट राइड भी करेंगे। और राकेश भाई एक बात बताओ, अभी क्या मतलब क्या ड्यूक 390 मार्केट में ज़्यादा है या फिर ड्यूक 250 या फिर RC 390? मैं अगर बताऊँगा तो सबसे ज़्यादा मार्केट इसमें जो है 390 नंबर वन पे है वैसे, अगर क्योंकि 390 में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपनी जगह वैल्यू फॉर मनी बाइक है ये। अच्छा। और दूसरी चीज़ है 390 में क्या है कि 44 BHP है सिंगल सिलेंडर, और आपको 3 लाख के अंदर मिल जाता है वो चीज़। हाँ बिल्कुल सही बात। और टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी है, अगर आपको टॉप स्पीड चाहिए तो आप RC 390 लीजिए, उसकी टॉप स्पीड 180। RC 390 का जो बेसिकली पोस्चर है इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक, इज़ अ नेकेड स्ट्रीट बाइक। हाँ नेकेड स्ट्रीट बाइक। और जो ड्यूक 390 यू कैन यूज़ इट फॉर सिटी राइड, यू कैन यूज़ इट फॉर एडवेंचर, लद्दाख वगैरह जहाँ भी लेना जा सकते हो ले सकते हो ड्यूक 390। अब काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें आपको ज़्यादा भी प्रोवाइड कर रही है आपको। अच्छा। जार्किंस वगैरह, लैंगर्स वगैरह, रेडिएटर गार्ड वगैरह, विंडशील्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा अब बाइक को कोई मॉडिफिकेशन करना और लॉन्ग टूर्स के पर्पस के लिए मॉडिफाई करती है। अगर ड्यूक चलाते हैं 390 तो उसमें क्या होता है ना कि जो बाइक है ना वो बहुत जल्दी वो करती है, आपकी जो बाइक है सामने से व्हीली जल्दी आता है उस पर, फर्स्ट टू सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे भी व्हीली आता है। अच्छा। पंच अच्छा है इसका। अच्छा। तो 37 न्यूटन मीटर टॉर्क है। सो चलो बातें तो होती रहेंगी, अभी इट्स टाइम टू राइड द ड्यूक 390। और अगर अच्छी लगी तो ऐसे एक KTM को ना ये भी रखना चाहिए, अगर किसी ने अभी ड्यूक 390 ली तो वो एक्सचेंज ऑफर होता ना, जैसे कल को 390 एडवेंचर आए तो ये वाली बेच के वो वाली ले लो, ये तो नहीं होता कहीं पे भी। ऐसा रखना चाहिए, समथिंग हैज टू बी न्यू ना, समथिंग हैज टू बी न्यू इन द मार्केट। सो चलो इट्स टाइम फॉर द टेस्ट राइड एंड थैंक यू सो मच राकेश भाई, इन्होंने बहुत अच्छी तरह नॉलेज दी हमें। सो अभी राकेश भाई हमें टेस्ट राइड करवाएंगे और जितने भी आपको मजे करने हैं आप वीडियो को देखना लास्ट तक। चलो चलते हैं फॉर द टेस्ट राइड।
राइडिंग द ड्यूक 390 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड थैंक यू राकेश भाई जिन्होंने कैमरा पकड़ा है. आज दिवेश नहीं आया बिकॉज ही हैज सम वर्क. हो हो पिकअप बहुत तेज है. सो इट्स फ्लाइंग भाग रही है बिल्कुल. क्या मस्त है यार. बेबी इज सो फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस से भाग रही है बिल्कुल. बहुत ज्यादा अच्छी पावर है और एवरीथिंग इज सो परफेक्ट. दिस कलर लुक्स सो ब्यूटीफुल. और अभी यहाँ से हम टर्न ले लेंगे बिकॉज ज्यादा इसमें फ्यूल नहीं है. दिस इज अ टेस्ट राइड बाइक बट पावर इज गुड टॉर्क इज गुड. अभी टॉर्क यहाँ पे चेक नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो पहाड़ी या समथिंग लाइक दिस. इसमें क्या है कि पावर टू वेट ना वो क्या कहते हैं जो गियर रेडियो रेशियो है ना आपको बस तीसरे से चौथे गियर तक ही बाइक को रखना है गाइस. इसमें आपको कम स्पीड पे ज़्यादा गियर नहीं देना है क्योंकि जो BHP है वो ज़्यादा है. आप जैसे टर्न कर रहे हैं तो सिंगल गियर पे रखना पड़ेगा. और अगर आप कम स्पीड पे है अच्छा. तो 90 तक आपको जस्ट चार का ही मतलब फोर्थ गियर पे बाइक को रखना है. छः गियर तक आपको 100 प्लस पे ही डालना है तभी आप बाइक का फील ले पाएंगे गाइस. वाह अबे यार पावर है यार. मैं हिमालयन भी चलाई थी. पावर देखो इसकी ड्यूक की. स्लीपर क्लच है तो आप अपसेट डाउन भी बड़े शौक से कर सकते हैं और स्लीपर क्लच का फायदा ले सकते हैं. मतलब मैं इसमें हल्का सा एक्सेलेटर दबा रहा हूँ और ये भाग रही है बिकॉज इट हैज़ वेरी गुड पावर. बहुत ही अच्छी पावर है. 44 BHP और इसका वेट भी ऑलमोस्ट 150 किलो होगा. KTM इज फेमस फॉर स्लिम एंड लाइट बॉडी स्ट्रक्चर. द स्टेलिस फ्रेम इज सो वर्किंग वेरी क्विक एंड योर बाइक इज स्टेबल ऑन रोड. और द टायर्स आर यूज इज मैजलर. मैजलर के टायर्स हैं. ग्रेट यार ग्रेट. थोड़ा सा तेज. वाह दैट्स सो फ्यूरियस. 70-80 पहुंचाई मेरे गली में. इसका डिसएडवांटेज बताओ कुछ. इसमें कमियां बताओ. कमियां पीपल डोंट वांट बायस रिव्यू. इसका पहला डिसएडवांटेज है गाइस ये सिंगल सिलेंडर में है. ओके तो देन अगर गाड़ी ज्यादा ओवर स्पीड पे होती है तो आप गाड़ी को नहीं रख सकते. गाड़ी वाइब्रेट करेगी आपकी. ओके ठीक है. दूसरे डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो बाइक है वो थोड़ी सी हल्की है. अगर जितना BHP पावर है ना उस हिसाब से मच लाइटर है. मतलब गाड़ी का जो वेट है आपका फ्यूल 153 है. 3 kg है. 44 BHP की बाइक है. 400 cc है. कम से कम इसका वेट 163 प्लस होना चाहिए था. तो 10 kg लाइट है ये. मतलब 10 kg और होना चाहिए था बाइक में क्योंकि जब आप इस बाइक को 130 पे रन करते हैं तो गाड़ी में विंड ब्लास्ट ज़्यादा आता है. तो एक वो चीज़ मैं इसमें प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसका स्टेबल जो है स्ट्रेट है सिटिंग पोस्चर. ओह माय गॉड इट वाज सच अ वंडरफुल राइड. बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट मैं इतना खुश हूँ राइड करके कि मैंने अपना हेलमेट भी नहीं उतारा. और बहुत मज़ा आया भाई. बाइक कितनी भागती है यार ड्यूक 390 भाई. मज़ा आ गया. 400 cc और 44 BHP भाई. गजब गजब. KTM क्या बाइक बनाते हो अब. लेट्स गो इनसाइड गर्मी. चलो अंदर चलते. सो थैंक यू सो मच राकेश भाई. आपने मेरा कैमरा पकड़ा. सो राकेश भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ. ग्रेट थम्स अप टू राकेश भाई. अच्छा राकेश भाई ये बताओ कि ड्यूक 390 का प्राइस अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट. अभी नोएडा रजिस्ट्रेशन पे इसका प्राइस चल रहा है 2.94 लाख. अच्छा 2.94. अगर आप दिल्ली में लेते हैं तो 290. हाँ थोड़ा सस्ता है. यूपी का रजिस्ट्रेशन वहाँ का 8% है. यहाँ का 10% है. ठीक है. और मैं तो बेसिकली जम्मू से बिलोंग करता हूँ. वहाँ 3% है. और अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बजाज फाइनेंस बैठते हैं. ठीक है. जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी बैंकों से बहुत कम है. वो बजाज फाइनेंस वाली मैम है जो शी डज नॉट वांट टू कम इन द कैमरा. मैम यू वांट टू कम इन द कैमरा. नो
शी इज बिट शाय, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो भैया अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो लगभग 60-70 हज़ार रुपए के आसपास डाउन पेमेंट होता है इसका। ओके ठीक है, उसके बाद आपकी 3 साल या फिर 4 साल की आप EMI 5 ईयर्स तक की आप बनवा सकते हैं। ओके और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि बजाज जो है एक KTM का ही पार्ट है इस समय, तो आप अगर उसमें फाइनेंस करवाते हैं तो और बैंकों से काफ़ी सस्ता पड़ता है आपको ये चीज़। अच्छा एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आजकल, डोमिनर अच्छी है ड्यूक? पीपल आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट डोमिनर एंड ड्यूक, इन फैक्ट आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज यार। मैं दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, आप टेस्ट राइड लीजिए उसके बाद मुझे। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात बोली है, विदाउट एनी बाइसिंग कि टेस्ट राइड लेके ही पता चलता है। अभी मैं खुद नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मैंने डोमिनर अभी तक चलाई नहीं है। आप अगर एक न्यू बाइक चलाते हैं एक ओल्ड बाइक चलाते हैं उसमें भी काफ़ी फर्क होता है। राइट आप एक जेन्युइन न्यू बाइक चलाइए, एक परफेक्ट राइड लीजिए हेलमेट पहन के, या फिर आपके किसी फ्रेंड्स के पास होगा, आपके किसी कलीग के पास होगा, अब उसे पूछिए, टेस्ट राइड कीजिए, फिर आप मुझे बताइए कि KTM बेस्ट है कि डोमिनर बेस्ट है। बट डोमिनार डोमिनार है तो KTM है, ये बात तो है। मैं किसी ब्रांड्स की बुराई नहीं कर रहा, बट अपनी जगह सब बेस्ट है। सब बेस्ट है, बिल्कुल सही बोला, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए जब तक आप खुद फील ना करो। एक्चुअली मेरे दोस्त के पास भी KTM है और डोमिनार भी है, बट डोमिनार वाला तो इधर है लेकिन KTM वाला मुंबई में है। मेरा बहुत खास दोस्त है। एनीवेज दोस्तों कोई ब्रांड खराब नहीं होता, क्योंकि हर ब्रांड की हर बाइक के पीछे काफी इंजीनियर्स मेहनत करके एक ब्रांड को आगे लेके आते हैं, बिल्कुल एक बाइक को मॉडल को आगे लेके आते हैं, तो कोई खराब नहीं होता। अब आप किस हिसाब से पसंद करते हैं उस ब्रांड को, उस बाइक को, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मॉडल सबके अलग अलग होते हैं, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, किसी को RC पसंद है किसी को ड्यूक पसंद है, तो वो सारी डिपेंड्स ऑन मॉडल, डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टाइल यू वांट टू राइड, डिपेंड ऑन योर माइंड बेसिकली, आपको किस टाइप की। अगर आप लॉन्ग रूट नहीं करते हो, आपको फास्ट चाहिए तो RC उठा लो, अगर आप लॉन्ग रूट करते हो ड्यूक उठा लो, डोमिनर उठा लो। तो चलो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, आई होप यू गाइज हैव फाउंड दिस वीडियो वर्थ इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजबल, और आपको होपफुली मजा आया होगा। एंड इफ यू रियली एंजॉय दिस व्लॉग प्लीज मेक श्योर टू लाइक कर देना, और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर आप नए हो, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको होपफुली अच्छी लगी होगी। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू अपडेटेड ऑन Instagram, बिकॉज Instagram पे सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट राइड होने वाली है जो प्रॉबली नेक्स्ट सैटरडे हो रही है, स्टार्ट हो रही है स्पिति या फिर ले लद्दाख जा रहा हूँ मैं अभी तो अपनी बुलेट से जाऊँगा, उसके बाद जो नेक्स्ट राइड होगी वो प्रॉबली नई बाइक पे होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स गुड फ्रॉम माय साइड, राइट कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खाओ पियो मजे करो ऐश करो, क्या पता गाइस कल हो ना हो, इसलिए जो करना है लाइफ में मजे करो। और अगर आपको KTM लेनी है तो राकेश भाई का नंबर मैं डाल दूंगा नीचे, तो राकेश भाई से आके जरूर बात करो, बहुत अच्छी डीलिंग है। मतलब मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं KTM के सेंटर में आया तो KTM की प्रेज़ करूंगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, इन्होंने एवरीथिंग वॉज अप टू द मार्क, राइड अच्छी करवाई, मेरे हेल्प की शूट करने में अ बिग थम्स अप फॉर द KTM, और जितने भी KTM के लोग देख रहे हो हैट्स ऑफ कि आपके पास इतनी अच्छी बाइक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस टेक KTM एंड रेडी टू रेस। ये लॉन्डन ने बिल्कुल परफेक्ट डायलॉग मार दिया, रेडी टू रेस। बाय। और एक और चीज़ बता देता हूँ, राकेश भाई का भी चैनल है, राकेश भाई का चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, प्लीज मेक श्योर आप देख लेना, और अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर बाद में लोग ना मुझे गाली देंगे कि भाई कॉन्टेंट है चले लगाइए। चलो मजाक करो, जरूर देखना और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, इन्होंने इतनी हेल्प की है तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो बाय, टेक केयर।